फ्री फायर इंडिया प्री ऑर्डर, अगर आप अभी प्री ऑर्डर करोगे तो आपको यहाँ पे ये सब चीज फ्री में देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ गाइज आपको यहाँ पे गेम के अंदर एक बहुत बड़ा इश्यू देखने को मिल रहा होगा, जिसका गाइज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोग को फेस करने को मिल रही है, एंड वो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि फ्री फायर गेम यहाँ पे बैन हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है एंड इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड साथ ही साथ फ्री फायर इंडिया के बारे में बताऊंगा। एंड यहाँ पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया करीना की तरफ से, वो भी मैं गाइज आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये वीडियो गाइज काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, इसलिए गाइज मैंने इस वीडियो को बहुत ज्यादा शॉर्ट रखा है। आई होप गाइज आपको आज का हमारा वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल सिंपल होता है, आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर आपको प्रेस करना है, एंड उसके बाद आपको बेल आइकन पर प्रेस कर देना है। एंड हाँ गाइज अगर होगा तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना, आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है क्योंकि फ्यूचर में ऐसी कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहूं। सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे इस इशू के बारे में बात करते हैं जो कि अभी बहुत सारे लोगों को फेस करने को मिल रहा है। जब भी गाइज हम यहाँ पे गेम प्ले कर रहे हैं तो हमारे सामने ये लिखा आ जा रहा है सर्वर बिजी, एंड उसके बाद हमारा गेम कट जाता है एंड उसके बाद हम यहाँ पे गेम प्ले नहीं कर पाते। सो गाइज ये चीज देखने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे डर गए, वो लोग सोच रहे कि हमारी आईडी यहाँ पे बैन हुई है एंड इसके बाद हम यहाँ पे गेम प्ले नहीं कर पाएंगे। एंड गाइज इसी डर के वजह से मेरा एक यहाँ पे दोस्त था, उसकी आईडी में सीजन फर्स्ट भी था एंड सीजन सेकंड भी था, उसने गाइज अपनी आईडी बेच दी बहुत सस्ते दाम पर, मतलब उन्होंने 20,000 रुपए के करीब उसने अपनी आईडी बेच दी इसी डर के वजह से कि उसके सामने ये नोटिफिकेशन लिखा रहा था, उसको लग रहा था मेरी आईडी बैन होगी एंड फ्री फायर भी बैन हो जाएगा। इसी वजह से गाइज बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी आईडी बेच दे रहे, समझ रहे हो गाइज कितने महान प्रो प्लेयर है वो लोग, अपनी आईडी बेच दे, वो भी गाइज उस आईडी में काफी सारे रेयर आइटम थे। मैं गाइज मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या क्या था उस आईडी में एंड उस बंदे ने अपनी आईडी भेज दी। सो भाई देखो अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि हमारी आईडी बैन हो चुकी है एंड इसके बाद हम यहाँ पे गेम प्ले नहीं कर पाएंगे, तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये जो हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पे सो रहा है ये सर्वर बिजी होने की वजह से हो रहा है, मतलब कि हमारा यहाँ पे जो फ्री फायर का सर्वर है इस पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है, जिस वजह से गाइज हमारा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन सो रहा है। जैसे कि गाइज आप सभी को पता है हमारा यहाँ पे जो गरीना फ्री फायर है ये टाइम टाइम पे छोटे छोटे अपडेट लेते आते रहता था, मतलब कि इनको अगर कोई गेम में इंप्रूवमेंट करनी होती थी तो ये छोटा अपडेट देते थे प्ले स्टोर पे। अब तो हमारा गेम यहाँ पे प्ले स्टोर पे नहीं है एंड अगर यहाँ पे गरीना को कोई सा भी अपडेट देना रहेगा तो वो अपडेट कहाँ पे देगा। इसी वजह से गाइस यहाँ पे आपको ये इश्यू देखने को मिल रहा है, इस पे गाइस घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रहा है तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको अपना गेम काटना है और उसके बाद आपको फिर से रिस्टार्ट करना है। अगर आप रिस्टार्ट करोगे तो गाइस आपका मैच वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे आपने छोड़ा था। सो गाइस अगर आपको यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेटिव बात पसंद आई तो गाइस हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, आपकी यहाँ पे गर्लफ्रेंड की कसम, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाएगी, इसमें आपकी की जिम्मेदारी होगी भाई, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। यहाँ पे गाइज बहुत सारे लोग ये वाली फोटो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जिसपे गरीना बता रहे हैं कि हमारा गेम तो सिंगापुर का है तभी भी हमारा गेम इंडिया में क्यों बैन किया गया, इसका रीजन हमें नहीं पता, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, मतलब कि ऐसा कुछ यहाँ पे इस फोटो में लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये चीज गरीना ने ऑफिशियल तरीके से अनाउंस किया है, बट गाइज जब मैंने यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा सर्च करा तभी भी मेरे को यहाँ पे ये फोटो नहीं मिला। लोगों के पास पता नहीं कौन सा डोरेमोन का गैजेट है जहाँ से वो ऐसे ऐसे फोटो निकाल लेते हैं, मेरे को तो गाइज ऐसी फोटो बिल्कुल नहीं मिलती। बट हाँ गाइज इस फोटो में जो भी चीज लिखा हुआ है वो एकदम अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, एकदम क्लियरिफाई कर रखा है कि हमारा फ्री फायर गेम इसलिए बैन नहीं होना चाहता। बट भाई मैं आपको यहाँ पे बता दूं हमारा यहाँ पे जो फ्री फायर गेम बैन हुआ है ना ये कोई चाइना के वजह से नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे लोग बोले इसमें चाइना का शेयर है ये वो है, तो भाई मैं आपको बता दूं ये जो गाइस यहाँ पे 54 ऐप बैन हुए इंडिया में, फर्क नहीं पड़ता कि वो ऐप चाइना का है, कोरिया का है, अमेरिका का है, गाइस यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी ऐप हमारे इंडिया की सिक्योरिटी को हानि पहुंचाएगा तो गवर्नमेंट उस ऐप को बैन कर सकती है, ऐसा गाइस यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा होगा कि इंडिया सिर्फ चाइना के ऐप को बैन कर सकता है, इंडिया का कहीं के भी ऐप को बैन कर सकता है। जब गाइस हमारे इंडिया के सिक्योरिटी को हानि पहुंचेगा तो यहाँ पे गाइस कोई सा भी ऐप हो, बड़े से बड़ा ऐप हो, छोटा से छोटा ऐप हो, उसको इंडिया बैन कर देगी, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट के लिए उनके सिटीजन काफी ज्यादा मायने रखते हैं, वो हर एक सिटीजन को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, इसी वजह से गाइस ये सारे ऐप बैन कर दिए गए। अब गाइस मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऐप तो बैन कर दिया बट इसका इंडिया वर्जन कब आएगा ये भी हमें जानना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए आगे वाले पॉइंट को देखिए। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग ये फोटो शेयर कर रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है कि फ्री फायर इंडिया 28 तारीख को प्री रजिस्टर करने के लिए आ जाएगा, एंड अगर आप यहाँ पे प्री रजिस्टर करोगे तो आपको यहाँ पे ये सारा सामान फ्री में मिलेगा। गाइस आप समझ रहे हो फ्री फायर यहाँ पे बैन नहीं हो पाया, उससे पहले यहाँ पे फ्री फायर इंडिया आने वाला है, एंड फ्री फायर इंडिया के साथ साथ फ्री फायर भूटान, फ्री फायर नेपाल, फ्री फायर चाइना, फ्री फायर बांग्लादेश, मतलब सारे कंट्री के यहाँ पे फ्री फायर आने वाले, उनका मन करे तो वो अपने नाम का भी फ्री फायर लॉन्च कर दे। गाइस आप यहाँ पे समझ रहे हो कि बहुत सारे लोग कितने यहाँ पे नल्ले बैठे रहते हैं कि वो लोग
लोग यहाँ पे कुछ भी चीज बना के पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि गाइस अभी आप यहाँ पे इस फोटो में देख पा रहे हो, यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये सारी चीजें एडिटेड है। एंड गाइस अगर आपको यहाँ पे कोई बोलता है कि इस साइड पे जाके आप यहाँ पे फ्री रजिस्टर करो, तो भाई आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत करना। अगर आप उस साइड में जाकर फ्री रजिस्टर करोगे तो भाई आपकी आईडी हैक हो जाएगी, या फिर आपका फोन भी हैक हो सकता है, या फिर गाइस यहाँ पे आपका जो डाटा होगा ये उनकी साइड तक पहुंच जाएगा। इसी वजह से गाइस आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी बंदा ऐसा बोलता है कि उस साइड में फ्री रजिस्टर हो रहा है इंडिया के लिए, तो भाई अभी वहाँ पे बिल्कुल भी मत जाओ। बिकॉज अभी गरीब यहाँ पे खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में क्या सीन चल रहा है और उनको यहाँ पे क्या रिप्लाई देना चाहिए। तो लोग यहाँ पे फ्री फायर इंडिया इतनी जल्दी कैसे लॉन्च कर सकते हैं? अगर यहाँ पे फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज होगा, चाहे छोटा न्यूज हो चाहे बड़ा न्यूज हो, वो मैं गाइस आपको सबसे पहले बताऊंगा। इसीलिए गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या ही कर रहे हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको प्रेस करना है और उसके बाद आपको बेल नोटिफिकेशन।